बीकानेर के कोलायत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करके कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगा। सीएम गहलोत ने कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना का दौरे की शुरुआत की, जिसके बाद में वे सीधे जनसभा में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार मदन गोपाल मेघवाल के पक्ष में समर्थन मांगा। सीएम गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार, पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी ने देश का बंटाधार कर दिया है और देश में अराजकता का माहौल है और मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में आज आतंकी घटनाएं हो या फिर भ्रष्टाचार, सभी बढ़ रही हैं और पीएम मोदी के चुनाव से पहले किए गए वायदे झूठे साबित हुए। उन्होंने कांग्रेस को जिताकर केंद्र में सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और कन्हैयालाल झंवर भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करने के बाद में सीएम गहलोत पूर्व जिला प्रमुख पूर्णाराम चौहान के घर भी गए और पूर्णाराम मोहित चौहान की धर्मपत्नी के स्वर्गवास पर परिवार को सांत्वना दी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।